मुझे साहब आपको जीत पे तो बड़ी मुबारक हो जी। खैर मुबारक। तो ये आपको अंदाजा हो ही गया था कि जीत जाना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फर्स्ट डे से मैं बड़ा पूरा उम्मीद था। मैं आपको बता रहा था कि बड़े मार्जिन से वाज लीड से अल्लाह के हुक्म से पीटीआई की जीत होगी, तो वही साबित हुआ। मेरे अल्लाह ताला ने साबित किया, मेरे अल्लाह ताला का खास करम है कि जो मैंने शुरू दिन से कहा था, फर्स्ट डे से जो मैं कह रहा था हर चैनल पर, हर जगह पे, हर तकरीर में, हर स्पीच में, वही मेरे अल्लाह ताला ने वही मुझे वोट भी सबसे ज्यादा आपको पड़ा। जी जी, मैं वही सबसे ज्यादा, मैं आप सबको कह रहा था कि जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़ेंगे, जनरल इलेक्शन से ज्यादा पड़ गया। ठीक बात है। अब गुजर साहब क्या हालात हैं आपको? आपको आप ट्विटर पे मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि मुझे तंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। ऑफर कितने की हुई है? अल्लाह के हुक्म से मुझे कोई ऑफर नहीं कर सकता, किसी की जरूरत नहीं है। हुई कितने की? किसी की जरूरत ही नहीं है मुझे कोई ऑफर करे। मैं शहबाज शरीफ को खुद खरीद लूँ अल्लाह के हुक्म से, मुझे कोई ऑफर कर ही नहीं सकता। मैं लीडर का सिपाही हूँ, कायद का सिपाही हूँ, अपने कायद के साथ हमेशा वफादार रहूँ। आपके बाकी कोलीग्स को कितने की ऑफर हो रही है? वो मुझे नहीं पता है। वो तो वही बता सकते हैं। कीमत जानना चाह रहा हूँ, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, वो मैं सुन रहा हूँ, 40-40, 50-50 करोड़ की हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। आप 22 को अपसेट देख रहे हैं या आप पुरउम्मीद हैं? हम 100% पुरउम्मीद हैं, अल्लाह के हुक्म से पुरउम्मीद हैं। अब कोई शक रह ही नहीं गई, अब तो वाजे है, क्लियरली है। अब इसमें इससे आगे क्या जाना है? इससे आगे तो कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं रहेगी। बिल्कुल मुनहरफ होने का चांस खत्म हो गया? ना ना, बिल्कुल ऐसा फैक्शन पार्टी के अंदर कोई ऐसा चक्कर फूट पड़ सकती है? कोई फूट ही नहीं। शुजात फैक्टर, कोई जो शुजात का बयान आपने सुन लिया, जो शुजात ने बयान दे दिया, क्लियरली दे दिया कि परवेज इलाही ही उनके वजीर अला के कैंडिडेट हैं, तो इससे आगे अब क्या है? पंजाब लेके तो पंजाब डिसॉल्व करेंगे, विफाक डिसॉल्व का प्रेशर डालेंगे, क्या करेंगे? ये तो मेरे कायद का फैसला है, पार्टी का फैसला है, ये मुझे नहीं पता। मैं छोटा सा कारकुन हूँ, अदना सा कारकुन हूँ, मैं कारकुन ही रहूंगा हमेशा। इतने ज्यादा वोट लेने के बाद आप अदना उदना रहे नहीं है? नहीं, बाद ऊपर चले गए। मैं यूथ में से आया था। मिनिस्ट्री मिल जाएगी आपको? वो तो मेरे कायद को पता है। यहाँ मिनिस्ट्री पसंद करेंगे? ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो अल्लाह के बंद करके तोते को कहेंगे फाल निकालो, यहाँ के बंद करके मिनिस्ट्रीज की पर्चियां डालेंगे, क्या करेंगे? ये तो मेरे अल्लाह ताला को पता है। अगर अल्लाह ताला ने कुछ देना हुआ नहीं करेगा, रूटर वाली गाड़ी पे भाग घूमे, कोई दिल नहीं। मैं एक वर्कर हूँ, मैं नीचे रहना पसंद करता हूँ, मुझे ऐसी चीजों से कुछ नहीं है। कोई चक्कर नहीं, मुझे सिर्फ मेरी वाबस्तगी मेरे कायद के साथ। इतना रोल प्ले करके कायद के साथ है, हमारा कायद हमें जो हुक्म करे, मेरा कायद कहे ना एक स्किंडल गाओ इस्तीफा दे दो, मैं भी इस्तीफा दे दूँ। अच्छा, मैं एक सेकंड में ना रखूँ। यही बात परवेज अली साहब ने कही कि जब इमरान खान साहब कहेंगे हम डिसॉल्व कर देंगे, तो मसले नहीं। अच्छी बात कही ना, सही बात। मुल्क की बात करो, रूटर शूटर को छोड़ो, मुल्क की बात करें। आप इसको पूछें कि मुल्क में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। रूटर कौन सी छोटी चीज है ये जो आप पूछ रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इनको चाहिए कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ये वो लीडर बने। रूटर बतिए मिनिस्ट्री छोटी बातें हैं भाई जान। वजारत आला ऑफर हो गई, छोड़ो वजारत आला, पंजाब लीड करेंगे नौजवान, क्या था क्या मसला? खान वजीर आला बनेगा ना, तो सारी वजारतें हमारे पास है। खान को वजीर आला बनाने लगे? नहीं, वजीर आजम बने कह रहे हैं आप? खान वजीर आजम बने, खान वजीर आजम बनेगा, उसकी पार्टी वजीर आला बनेगी, तो काम बन गया। थोड़ा सा घबरा गए ना सर।